नैनीताल जिले के 6 विधानसभाओं में हल्द्वानी के MBPJ इंटर कॉलेज में पोलिंग पार्टियों को रवाना करने का सिलसिला शुरू हो गया है। जिले की 6 विधानसभाओं में 1008 पोलिंग बूथों पर पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है। दुर्ग क्षेत्र में एक दिन पहले 24 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल के मुताबिक दुर्ग क्षेत्र के पोलिंग पार्टियों को एक EVM एक्स्ट्रा दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी विराज सिंह का कहना है कि निर्वाचन विभाग के सॉफ्टवेयर में हर घंटे मतदान का अपडेट रहेगा, जिसके लिए सभी मतदान कार्य में पीठासीन अधिकारियों में अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। नैनीताल जिले को 3 सुपर जोन, आपका 35 जोन, 106 सेक्टरों में बांटा गया है। इसके अलावा इसमें 89 वल्नरेबल बूथ्स हैं, 61 क्रिटिकल एरियाज हैं। हमारे यहाँ स्पेशल ट्रबल एरिया 20 बनाए गए हैं। टोटल 11 कंपनी CPMF की लगाई गई है, 1600 होमगार्ड लगाए गए हैं। इसके अलावा वन दरोगा, वन रक्षक और जनपद की समस्त फोर्स लगाई गई है। अगर देखा जाए तो हर थाने को 2 मोबाइल अलग से दिए गए हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि रिजर्व में पर्याप्त मात्रा में फोर्स दी गई है। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, तणधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक, और भी होगा बहुत कुछ। देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।